वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन हेडवर्क्स हमारे जो है क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये चीज़ जो है हम आज स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको एक पिक दिख रही है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि डाइवर्जन हेडवर्क बेसिकली होता क्या है। ठीक है, डाइवर्जन हेडवर्क आपका कुछ नहीं होता। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी कोई भी एक नेचुरल रिवर है जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, ये फ्लो की डायरेक्शन है, दिस इज योर नेचुरल रिवर। जो आपको फोटो है, मैं ये भी बता देता हूँ, ये है आपका एक्चुअल गंगा रिवर का फोटो है, जो आपका हरिद्वार के अंदर भीमगोडा बैराज है, उसका एक्चुअल रियल लाइफ एरियल व्यू है ये। ठीक है, तो यहाँ से आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर, गिव यू ए बेटर आइडिया दैट व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जन हेडवर्क एंड व्हाट कंपोनेंट्स आर देयर एंड व्हाई आर डाइवर्जन हेडवर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखो, सबसे बेसिक आइडिया है कि जो नेचुरल रिवर होता है उसका जो बेड लेवल हो सकता है कैनाल के बेड लेवल से नीचे हो, यानी कि जो वाटर रिवर के अंदर जो आपका वाटर का लेवल है, हो सकता है आपके कैनाल का बेड जो है उसके ऊपर हो। तो अब क्या होगा कि आप कैसे भी करके उस वाटर को जो है कभी भी कैनाल के अंदर डाइवर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो रिवर का जो वाटर लेवल है वो कैनाल से नीचे रह गया, तो कभी भी वाटर जो है आपका कैनाल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि जब इस वाटर को हमें कैनाल में लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे वाटर है उसका लेवल जो है राइज करना पड़ेगा। तो देखो, ये क्या कर रखा है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ योर बैराज, भीमगोडा बैराज। तो ये भीमगोडा बैराज हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो इससे क्या हुआ कि वाटर के जो फ्लो था उसमें एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो गया। अब ऑब्स्टेकल क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, इस साइड जो है वाटर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, यानी कि वाटर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। जब वाटर इकट्ठा होगा तो उसको उसकी वजह से क्या होगा, वाटर का लेवल राइज करने लगेगा, और जैसे ही वाटर का लेवल राइज करके वो कैनाल के बेड लेवल की हाइट पे आएगा, तो उसको हम यहाँ से जो है इस कैनाल के अंदर जो है डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ योर अनदर कैनाल वेयर योर वाटर इज एस्केपिंग आउट। ठीक है, तो मेन पर्पज़ क्या होता है कि इस कैनाल में हमें जो है वाटर को ट्रांसफ़र करना था, जो हम कर चुके हैं। अब कैनाल के ऊपर भी आपको ये कंस्ट्रक्शन दिख रही है, कैनाल के हेड के ऊपर, दिस इज़ नोन एज कैनाल हेडवर्क। ये भी आपका डाइवर्जन हेडवर्क का एक पार्ट होता है। और जैसे आपका ये वियर और बैराज था, इसका पर्पज़ क्या था कि आपके वाटर का जो है लेवल को राइज करना, और जो ये आपके कैनाल हेडवर्क है, इसका आपका पर्पज़ क्या होता है कि जो आपने अभी तक किया है, ठीक है, जो भी आपने किया है उसको जो है आपको प्रोवाइड करना कि उसको जो वाटर राइज हुआ है वो आप कितना अमाउंट में, किस कितनी क्वांटिटी में, किस किस टाइम पे जो है आप कैनाल में डाइवर्ट करना चाह रहे हो, उसको जो है आप यहाँ से रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर, दिस इज योर कंटेंट, यू कैन रीड इट आउट व्हाट वी हैव। ये द खोसला कर्व्स एंड द थ्योरी, डिज़ाइन थ्योरी ऑफ कंक्रीट स्लोपिंग ग्लेसेस वेयर, ये वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। ठीक है, बेसिकली कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया जिसकी से कि हम ऑफ टेकिंग कैनाल में वाटर सप्लाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं योर हेडवर्क। यानी कि ऑफ टेकिंग कैनाल, यानी कि जो कैनाल किसी भी रिवर से निकल रही है उसमें वाटर को डाइवर्ट करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हमने क्या बोला है, हेडवर्क। ठीक है, तो हेडवर्क आपका क्या होता है, हेडवर्क जो है आपका दो केसेस में हम डिवाइड कर रहे हैं, पहला योर स्टोरेज हेडवर्क एंड सेकेंड इज योर डाइवर्जन हेडवर्क। क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। देखो, स्टोरेज हेडवर्क, जैसे नाम से ही पता है कि स्टोरेज का मतलब हमें कुछ स्टोर करना है, तो वो हेडवर्क का वो टाइप जिसमें कि हम वाटर को जो है डाइवर्ट करने के साथ साथ जो है स्टोर भी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन, वो स्टोरेज हेडवर्क। देखो, जो आप कभी भी डैम बनाते हो किसी भी रिवर वैली के ऊपर, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसके पीछे जो है एक स्टोरेज रिजर्वायर जो है आपका क्रिएट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं स्टोरेज हेडवर्क। जो कैनाल के अंदर वाटर सप्लाई होता है वो इसी स्टोरेज रिजर्वायर से सप्लाई होता है। ठीक है, जो आपका ये डैम होता है, स्टोरेज रिजर्वायर, ये और भी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जैसे योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, ठीक है, फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम फिशरीज यानी कि फिश वगैरह की जो है फार्मिंग के लिए भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन जिसके नाम से क्लियर था, पिछले वाले में क्या था कि स्टोरेज हेडवर्क, यानी कि स्टोरेज के लिए कर रहा था। डाइवर्जन हेडवर्क मतलब
जो आपने सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए हेडवर्क जो है कंस्ट्रक्ट किया है उसको क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जन हेडवर्क। तो क्या होता है कि रिवर के फ्लो के अंदर जो है हम वियर और बैराज कंस्ट्रक्ट करते हैं टू राइज द वाटर लेवल, वाटर लेवल को राइज करने के लिए और उस वाटर को जो है कैनाल के अंदर डाइवर्ट करने के लिए, और इसी को जो है हम बोलते हैं आपका डाइवर्जन हेडवर्क। ठीक है, और जो आपका कैनाल के अंदर फ्लो है वो रेगुलेट किया जाता है आपका कैनाल हेड रेगुलेटर के अंदर, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो नाउ हेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाइवर्जन हेडवर्क। ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाइवर्जन हेडवर्क वी विल डिस्कस। देखो सबसे पहला तो क्या है ऑब्जेक्टिव, टू राइज द वाटर लेवल। ठीक है, दूसरा उसके अंदर जो है कैनाल के अंदर जो है आपको वाटर को सप्लाई करना। तीसरा ये कंट्रोल करता है कि वाटर के अंदर जो आप कैनाल में वाटर जा रहा है उसके अंदर सिल्ट को जो है एंट्री को प्रिवेंट करता है। अब बात आएगी सर सिल्ट क्या होती है, भाई देखो जो आपका रिवर्स में नेचुरल पानी जाता है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, उसमें सैंड होते हैं, मिट्टी होती है। ठीक है, तो वो मिट्टी क्या करती है कि कुछ टाइम के बाद जब आप कैनाल में उसको फ्लो करने देते हो तो वो कैनाल में सेटल होती रहती है। जब कैनाल के बेड पे वो सेटल होती रहेगी तो वो कुछ कैनाल का एरिया जो है उस मिट्टी से कवर हो जाएगा ओवर द टाइम, और इससे क्या होगी कि जो आपकी कैनाल की वाटर कैरिंग कैपेसिटी थी वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हमने जो कैनाल हमने 10 क्यूमिक के लिए जो हमने डिज़ाइन की थी उसमें हम 7 क्यूमिक ही वाटर फ्लो कर पाएँ। क्यों? क्योंकि जब हमें 10 की रिक्वायरमेंट थी इसीलिए हमने 10 के लिए डिज़ाइन किया ना, अगर फिर उसमें 10 फ्लो ही नहीं कर पाएगा वो उतना वाटर उतना अमाउंट उतना डिस्चार्ज वो कैरी ही नहीं कर पाएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं बनता है। इसलिए जो है आपका वहां से हमें सिल्ट की एंट्री को प्रिवेंट करना कैनाल में जाने से लिए, तो हेडवर्क का ये भी पार्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट इज योर क्रिएट ए स्मॉल पॉन्ड। देखो डैम जो होता है, स्टोरेज रिजर्वायर जो होता है, स्टोरेज हेडवर्क जो होता है उसमें जो आपका रिजर्वायर है वो बहुत न्यूमरस अमाउंट में होता है, बहुत हैवी या लार्ज अमाउंट में जो है आपका वाटर स्टोर करते हैं। लेकिन जो आपका डाइवर्जन हेडवर्क होता है इसमें वाटर स्टोर तो होता है लेकिन सिर्फ वाटर स्टोरेज का हमारा पर्पज क्या होता है कि कुछ हाइट तक तो उसको इंक्रीज करना, वाटर के लेवल की हाइट इंक्रीज करना, दैट्स इट। उस स्टोरेज का और कोई पर्पज नहीं होता, ना उस स्टोरेज से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ना उसमें हम कुछ और प्रैक्टिसेस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही काम होता है टू राइज द वाटर लेवल। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर लेवल इन रिवर ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स। मतलब कि जो आपके सीजन अलग अलग सीजन्स में जो आपके वाटर लेवल में कमी आते हैं, जैसे जो फ्लड की सिचुएशन होगी तो आपका क्या होगा कि एकदम से रिवर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा, और जो अगर आपका समर का टाइम है तो उस टाइम जो है आपकी रिवर ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो जाएगी। तो उस टाइम में भी जो है आपके कैनाल के अंदर आपका फ्लो कंट्रोल करने के लिए कि कैनाल में सफिशियंट सप्लाई जो है आपकी वाटर की होती रहे, उसके लिए भी जो है डाइवर्जन हेडवर्क का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट इज योर साइट सिलेक्शन ऑफ हेडवर्क। मतलब क्या है कि किस साइट पे हमें जो है अपना डाइवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्ट करना चाहिए वो हमें बातें करनी है। ठीक है, इसमें सब कुछ लिख रखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके आप रीड आउट कर लेना। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका दिया गया है द साइट शुड बी नैरो एंड वेल डिफाइंड, यानी कि जहाँ पे आप जो है अपना साइट को सिलेक्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, वो रिवर की साइट जो है नैरो होनी चाहिए। अब भाई रिवर की विड्थ है वो काफ़ी होती है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। अब आपके पास दो लोकेशन है, एक जगह सपोज करो आपके पास जो रिवर की विड्थ है वो है आपकी 30 मीटर की, एक जगह विड्थ अवेलेबल है आपके पास 100 मीटर की। तो जब हेडवर्क आप बनाओगे तो आप 30 मीटर में बनाना प्रेफर करोगे, क्यों? क्योंकि हेडवर्क की लेंथ जो है आपकी 30 मीटर ही बनानी पड़ेगी। लेकिन वहीं किसी साइट पर 100 मीटर की विड्थ है, रिवर की विड्थ ज़्यादा है, अगर वहाँ पर आप हेडवर्क को फिर कंस्ट्रक्ट करना चाहो तो वहाँ पर क्या दिक्कत आएगी कि वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा लेंथ में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो आपके रिवर है जिस भी साइड पे आप बनाना चाह रहे हो वहाँ पे जो रिवर के किनारे हों वो इरोडेबल ना हो, सॉलिड हो, स्टेबल हो। इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही आप देखोगे कि टाइम के साथ साथ जो है रिवर अपने जो है बैंक्स को कट करती रहती है और अपनी जो है डायरेक्शन को
थोड़ा बहुत चेंज करती रहती है। अब जहाँ पे आपने कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आपने बैराज बना दिया, लेकिन जो वहाँ के पे बैंक्स थे वो इरोडेबल थे, तो वो टाइम के साथ वो बैंक्स इरोड होते रहे और जो है आपको क्या हुआ, रिवर ने अपना फ्लो का पाथ ही चेंज कर लिया। अब वो बैराज में से बह ही नहीं रही है, उसने अपना नया पाथ क्रिएट कर लिया। तो फिर आपका जो पर्पज़ था वो पूरा का पूरा आपका ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई बेन यूजेबल ही नहीं रहेगा। तो इसलिए भी जो है आपके बैंक्स जो है अनइरोडेबल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका आएगा इसके अंदर, देर शुड बी अरेंजमेंट फॉर द डाइवर्जन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। अब जिस रिवर के ऊपर जहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, जैसे आपकी ये नेचुरल रिवर है, अब आपको यहाँ पे बैराज कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इस रिवर को यहाँ से ऐसे डाइवर्ट करोगे ताकि जब कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग जो आपका ये वाला एरिया है ये आपका पूरा का पूरा ड्राई रह सके और उसमें आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर पाओ। अब कहीं पे अगर वाटर को डाइवर्ट करने का प्लेस ही नहीं है, वाटर को आप डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी हम साइट सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे ये प्रोविज़न भी होना ज़रूरी है कि वहाँ पे जो है आपका एडुकेट जो है अमाउंट एडुकेट स्पेस अवेलेबल हो जो आपकी रिवर की डाइवर्जन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको जो भी साइट सेलेक्ट करनी है वहाँ पे इस टाइप से करनी है कि जो आपका ये रहेगा बैराज होगा या जो आपका वियर होगा ये हमेशा राइट एंगल पे रखना है आपको रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में। ठीक है, देर वहाँ पे अंडर स्लूसेज, हेड रेगुलेटर और बाकी सब चीज़ें आपको लगा कंपोनेंट देने की, कंपोनेंट कंस्ट्रक्ट करने की प्लेस होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ बैराज वहाँ पे बना देते हो और आपके पास हेड रेगुलेटर लगाने की जगह नहीं बचती है या फिर आपके पास अंडर स्लाइसेस बनाने की जगह नहीं बचती है, तो फिर वो आपका जो है पर्पज़ फुल्ली सर्व नहीं हो पाएगा, तो फिर वो चीज़ आपको टेक केयर करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये आप पढ़ लेना, कुछ थोड़े बहुत दो चार पॉइंट है, ऐसा कुछ खास है नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो है कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका वियर, एक आपका अंडर स्लाइसेस, नेक्स्ट आपका डिवाइड वॉल, फिश लैडर, कैनाल हेड रेगुलेटर, सिल्ट एक्सक्रूडर्स एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। इस जो आपके आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं, इनके बारे में एक बेसिक आइडिया। ठीक है, तो ये आप एक डायग्राम देख पा रहे होगे, इस डायग्राम की काफ़ी इम्पोर्टेंट है हेडवर्क को समझने की। अगर आपने ये डायग्राम एक बार समझ लिया तो आप इजीली जो है अपना पूरा का पूरा जो आपका यूनिट है आप उसको क्लियर कर पाओगे। देखो ये हैं आपके गाइड बैंक्स, ये सबसे लास्ट में आएंगे लेकिन मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, गाइड बैंक्स जैसे नाम से क्लियर है, गाइड एंड बैंक्स, गाइड एंड बैंक्स मतलब कि बैंक्स का मतलब किनारे और गाइड मतलब कि वाटर को डायरेक्ट करने वाले। तो ये वो बैंक्स है किसी भी रिवर के, किसी भी जो है आपके बैराज के या हेडवर्क का वो पार्ट होता है जिससे कि आप जो है सारे के सारे वाटर को डाइवर्ट करते हो कि वो यहाँ से ही फ्लो हो पाए, यानी कि जो आपने वियर और बैराज कंस्ट्रक्ट किया है उसी के थ्रू फ्लो करें। ठीक है, अगर ये गाइड बैंक्स यहाँ पे नहीं होंगे तो हो सकता है वाटर इससे बाहर से अपना यहाँ से जो है अपना फ्लोइंग स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी सोयल है वो इरोड होती रहेगी और इरोड होगी तो वो अपना वो रिवर जो है अपना कोर्स भी चेंज कर सकती है जो हम नहीं चाहते। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक आपका क्लियर हो गया है गाइड बैंक्स का। अब मार्जिनल बंड्स, मार्जिनल बंड्स का क्या मतलब होता है कि भाई गाइड बैंक भी कुछ एक प्रॉपर डिस्टेंस तक ही होते हैं, उससे ज़्यादा तो आपके जो है गाइड बैंक्स आप काफ़ी लंबे तो बना नहीं सकते। तो नेचुरल रिवर का जो आपके बैंक्स हैं, नेचुरल बैंक्स हैं, उसको गाइड बैंक से कनेक्ट करने के लिए आप क्या बनाते हो, मार्जिनल बंड्स बनाते हो। बेसिकली देखो गाइड बैंक्स जो थे ये आप मशीनरी का कंक्रीट के स्ट्रक्चर होते हैं, एक वॉल आप अज्यूम कर सकते हो एक वॉल टाइप की। जो मार्जिनल बंड्स होते हैं ये जो होते हैं आपके मिट्टी के होते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे जो है 3 से 4 मीटर हाइट के और टॉप विड्थ 3 से 4 मीटर के, फिर स्लोपिंग में रख के एक मिट्टी की ढेर लगा दिया, मतलब एक सोयल की वॉल आपने जो है यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, सोयल की वॉल क्रिएट करने से क्या बेनिफिट होगा आपको कि ये जो यहाँ का जो एरिया था आपका, ये जो एरिया था यहाँ पे जो है आपकी जो वाटर है यहाँ पे इसके बियॉन्ड ट्रैवल नहीं कर पाएगा और वाटर इज फोर्स टू ट्रैवल थ्रू द गाइड बैंक्स ओनली। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका कैनाल हेडवर्क, ये चलो आगे एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं।
ठीक है। वियर और बैराज, देखो वियर और बैराज आपका कुछ नहीं होता, वियर और बैराज दोनों का बेसिक पर्पज होता है कि वाटर के फ्लो के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट करके और वाटर के लेवल को जो है राइज किया जाए। अब कंस्ट्रक्शन के बेस पे दोनों में डिफरेंस आता है। अब मैं बता देता हूँ क्या होता है, पहले इजीली सुन लो, इसको पढ़ लेना, आपके पास पीडीएफ भी होगी और आप वीडियो को पॉज करके भी आप जो है रीड आउट कर सकते हो। देखो वियर में क्या होता है, वियर में एक हम परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कोई भी राइज्ड क्रस्ट बनाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो आप इसको इस टाइप से समझ सकते हो कि रिवर के बीचों बीच आपने जो है एक परमानेंट हाइट की वॉल बना दी, ठीक है। अब क्या होगा, जो वाटर उस अगर रिवर का फ्लो का जो लेवल है वो उस वॉल तक रहेगा तो वो वाटर वहां पे स्टोर होता रहेगा, और वॉल के हाइट से जितना भी एक्सेस वाटर आएगा वो डायरेक्टली उसके ऊपर से जो है ट्रेवल करके वो आगे चला जाएगा। जैसे ये देखिए, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये जो है आपने परमानेंट एक स्ट्रक्चर बना दिया रिवर के ऊपर, और यहाँ पे जो यहाँ तक लेवल रहेगा वो आपका जो है स्टोर रहेगा, और इसी को बोलते हैं हम पोंडेज। तो यहाँ पे क्या किया कि आपने पोंडेज यानी कि एक टेम्परेरी स्टोरेज क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ राइज्ड क्रस्ट। इसके ऊपर यहाँ पे जो भी वाटर होगा जो वो डायरेक्ट ऐसे ओवरफ्लो होता रहेगा, ठीक है। अब इसी में एक एडवांस थोड़ा सा अल्टरनेटिव कर दिया कि इसके अंदर तो हम ना एक बार कंस्ट्रक्शन के बाद वाटर के लेवल को रेगुलेट नहीं कर सकते थे, ना हम अपने अकॉर्डिंग उस वाटर के लेवल की अगर हमें ज़्यादा हाइट रिक्वायरमेंट है तो ना तो हम उसको बढ़ा सकते थे ना हम उसको कम कर सकते थे। तो उसी के लिए हमने एक एडिशन किया कि आपने जो राइज्ड क्रस्ट बनाया है, ये राइज्ड क्रस्ट जो आपने बनाया है इसके ऊपर हमने 2 से 3 मीटर के जो है गेट्स और लगा दिए। अब बेनिफिट क्या हुआ कि जो यहाँ तक वाटर स्टोरेज हो रहा था वो तो परमानेंट है, वो तो हमेशा रहेगा। अब उसके ऊपर भी अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पौंडे चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर रिक्वायर है, तो आप क्या कर सकते हो, इन गेट्स को क्लोज कर सकते हो और उसकी हेल्प से जो है आपको ये ऊपर वाली एडिशनल पौंडेज मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इन गेट्स को जो है ओपन कर सकते हो, ठीक है। इन दिस वे वी कैन कंट्रोल द फ्लो ओवर द वियर, ठीक है। ये हो गया आपका जो है वियर। अब बात करते हैं बैराज की। बैराज में क्या होता है, जो आपकी एक क्रस्ट है, अब देखो इसमें मैं आपको एक छोटा सा दोबारा बताता हूँ, जो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो पोंडेज आपकी गेट्स की वजह से है, गेट्स की वजह से पोंडेज P2 है, और जो वियर की वजह से है जो परमानेंट क्रस्ट की वजह से है वो आपकी पोंडेज P1 है। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि जो आपकी पोंडेज P1 है यानी कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर की वजह से पोंडेज है वो आपकी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर गेट्स। अगर इसका रिवर्स कर दें हम कि जो आपकी परमानेंट क्रस्ट है इसकी हाइट तो हम कम कर दें और गेट को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर दें, तो केस क्या हो जाएगा, आपकी जो पोंडेज बाय परमानेंट क्रस्ट है वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द पोंडेज बाय यूजिंग गेट्स, और यही आपका क्या बन जाएगा, आपका बैराज बन जाएगा, ठीक है। देखो ये वियर की डेफिनेशन है, आप पढ़ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ वियर से पहले मैं आपको एक बार बैराज बता देता हूँ। देखो ये रहा आपका बैराज, इस बैराज में क्या है, ये देखो यहाँ ये आपका कैनाल का बेड लेवल था और ये जो है आपका डाउनस्ट्रीम लेवल है। तो यहाँ पे आपने जो है गेट्स प्रोवाइड कर दिए, यानी कि जो टोटल पॉन्डिंग है वो किसकी वजह से हो रही है, गेट्स की वजह से हो रही है। दूसरा क्या कर सकते हैं, बैराज विद स्मॉल राइज्ड क्रस्ट, तो इसमें क्या होगा, आपने कुछ अमाउंट तक तो राइज्ड क्रस्ट बनाया, उसके बाद आपका गेटेड ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपने थोड़ी सी पौंडेज जो है आपकी क्रेस्ट की वजह से हुई है, लेकिन मैक्सिमम पौंडेज जो है आपकी गेट की वजह से हुई है। तो कुछ नहीं है, सेम अलाइनमेंट है ये आप दोनों केसेस में। जैसे आपका फर्स्ट था वियर के केस में आपने पढ़ा था कि सिर्फ राइज्ड क्रस्ट भी हो सकते हैं उसके ऊपर, और दूसरा केस था उसके ऊपर गेट लगा दिए। तो यहाँ पे इसका केस क्या बन जाएगा कि हो सकता है कि आपने सिर्फ पूरी की पूरी हाइट तक आपने गेट दिए हैं, या फिर आप चाहते हो कि उसको गेट को एक अच्छा बेस देने के लिए और कुछ पौंडे जो है आप एक राइज्ड क्रस्ट से करवाना चाहते हो, तो ये उसका सेकंड टाइप हो जाएगा। बाकी मेजर डिफरेंस यही है कि बैराज के अंदर जो आपकी ज़्यादा पौंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पौंडेज है वो होगी गेट्स के थ्रू, एंड वियर में जो है इसका उल्टा है, मैक्सिमम पौंडेज आप कहाँ से अचीव करोगे, आप राइज्ड। सो दिस इज़ द योर टाइप ऑफ वियर। हमारे मेनली बेसिकली 3 टाइप के आपके वियर्स होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। फर्स्ट टाइप इज योर मशीनरी वियर विद वर्टिकल ड्रॉप। वर्टिकल ड्रॉप का मतलब क्या है कि जिसमें आपका जो वाटर ओवरफ्लो होगा वियर के ऊपर से वो वर्टिकली ड्रॉप होगा, आपने कोई
सेपरेट स्लोपिंग एप्रन प्रोवाइड नहीं किया है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये आपका एक वर्टिकल वियर बना रखा है जिसके ऊपर से अगर वाटर ओवरफ्लो होके जाएगा तो वो ऐसे वर्टिकली ड्रॉप होगा, ठीक है। तो यही जो है आपका होता है मशीनरी टाइप ऑफ वर्टिकल ड्रॉप। ये आपका बहुत पुराना है, ऑब्सोलेट हो चुका है, आज के टाइम में ये जो है आपका यूज़ नहीं करते हैं हम, क्लियर। नेक्स्ट इज योर रॉक फिल वियर विद स्लोपिंग एप्रन। इसमें क्या होता है, जैसे आपको बताया था कि जो लास्ट वाला टाइप था उसमें क्या था, आपका एप्रन जो है वो वर्टिकल था आपका वियर, ठीक है। तो उसमें बैड स्कोरिंग के चांसेस ज़्यादा थे, तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमने नया वाला टाइप डिज़ाइन किया है जिसमें कि आपका जो डाउन स्ट्रीम साइड होता है वो स्लोपिंग होता है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका बेड है वो इरोड नहीं होगा और ईजिली जो है आपकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। इसके लिए आपने रॉक फिल करके ये बनाया स्लोप में, यहाँ पे आपने डाउनस्ट्रीम साइड में स्लोप रखा है 1:20 की एंड अपस्ट्रीम साइड में ये जो स्लोप है वो है 1:4 की। बीच में जो ये आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस वन मार्क विद ब्लू, दिस वन पोर्शन इज योर इम्प्रीवियस कोर। इम्प्रीवियस कोर का क्या बेनिफिट होता है या क्यों दी जाती है, जो आपको दिख रही होगी रॉक्स है, रॉक्स के अंदर से वॉइड्स होते हैं, उनमें से वाटर इजीली पास हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे जो हमने वाटर स्टोर कर रखा है वो यहाँ से पोर्स में आके, और ये इम्प्रीवियस मीडियम नहीं होता, तो क्या होता ये डायरेक्टली डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाता। हमने जो बैरियर प्रोवाइड करना था या जो भी करना था वो प्रोवाइड नहीं हो पाता। तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ से जो है इसको जो फ्लो को है कट कर दिया है इम्प्रीवियस कोर ऐड करके। अब क्या होगा, ये वाटर की जो है मूवमेंट अब स्ट्रीम साइड टू डाउनस्ट्रीम साइड जो है हमने ब्लॉक कर दिए, क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ योर वियर इज मॉडर्न कॉन्क्रीट वियर। इन दिस टाइप दिस इज फुल्ली मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट, अगेन दिस इज ऑल्सो स्लोपिंग। जो इसमें हम स्लोप रखते हैं दैट इज योर 1:4 एंड 1:5, डाउन स्ट्रीम साइड 1:4 एंड अपस्ट्रीम साइड इट इज 1:4। अगेन दिस इज ए अपग्रेडेड टाइप ऑफ द प्रीवियस वर्जन। प्रीवियस वर्जन इज यूज वेयर रॉक्स आर इजिली अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल, बट इन केस वेयर रॉक्स आर नॉट अवेलेबल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज टू हाई इफ वी अडोप्ट रॉक फिल डैम वो रॉक फिल वियर, देन वी विल डेफिनेटली यूज दिस कॉन्क्रीट टाइप ऑफ वियर। ओके, सो योर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ए हेडवर्क इज अंडर स्लाइसिस। अंडर स्लाइसिस को हम ऑल्सो बोलते हैं स्कोरिंग स्लाइसिस। स्कोरिंग स्लाइसिस इसका बेसिकली क्या होता है, ये एक टाइप की ओपनिंग होती है जो बैराज के बेस पे प्रोवाइड की जाती है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जनरली देखो ये आपका कोई भी जो है वैराज था, ठीक है। अब इस पे क्या था कि यहाँ पे जो भी आपका है कोई ओपनिंग नहीं थी, तो अंडर स्लाइसेस में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं जिन पे गेट्स लगे होते हैं। इन गेट्स को क्या है यूजुअली हम क्लोज रखते हैं जब यहाँ पे जो है आपका सिल्ट ज़्यादा, ये जो वाटर है ये यहाँ पे स्टिल हो रखा है, तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह वो नीचे सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है इस एरिया में काफ़ी सारी जो है यहाँ पे सिल्ट इकट्ठी हो जाएगी। अब इस सिल्ट को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, जो आपके ये वाले गेट्स हैं इनको जो है ओपन कर देंगे, तो क्या होगा वाटर यहाँ से एकदम से हाई वेलोसिटी से फ्लो करेगा। इसके वजह से जो भी यहाँ पे जो आपका सिल्ट डिपॉजिटेड है वो यहाँ से फ्लो कर जाएगा और जो है हमारी सिल्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब इसको क्या करते हैं, जनरली हम क्लोज ही रखते हैं गेट्स को जब हमें सिल्ट सफिशियंट अमाउंट में गैदर हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, फिर हम इसको ओपन कर देते हैं टू रिमूव द सिल्ट। बट इन केस ऑफ फ्लड, जब आपकी फ्लड लाइक सिचुएशन होती है तो ये गेट्स जो है जनरली ओपन रहते हैं ताकि जो भी आपकी फ्लड में डेब्रीज आ रहा है वाटर के साथ फ्लो करके वो यहाँ पे कोई भी ब्लॉक ना हो और वो सारा का सारा डायरेक्ट पास ऑन होता रहे अपना, ठीक है भाई। सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग अंडर स्लाइसिस जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यू विल हैव टू गो थ्रू वंस एंड अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब जो ये आपको दिख रहा है दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल वेयर, जो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे हमने एक राइज्ड क्रस्ट प्रोवाइड की थी जिसके ऊपर से जो है वाटर डायरेक्टली ओवरफ्लो हो रहा है। ये आपको दिख रहा होगा दिस इज योर वर्टिकल ड्रॉप टाइप ऑफ वियर जो हम ट्रेडिशनली पहले यूज करते थे। नाउ दिस इज योर वियर विद गेट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस वन पोर्शन,
इज योर राइज्ड क्रस्ट एंड दीज आर योर गेट्स, एंड गेट्स की हाइट आप यहाँ से देख भी पा रहे होंगे कि वियर के कंपैरिजन में जो है आपकी कम है, तो इसीलिए जो है ये आपका बैराज नहीं होगा, ये आपका वियर होगा। अगर ये आपकी जो राइज्ड क्रस्ट थी उसकी हाइट यहाँ तक होती और जो गेट्स की हाइट है यहाँ तक चली जाती तो ये आपका क्या हो जाता, अल्टीमेटली ये आपका बैराज में कन्वर्ट हो जाता, बट दिस इज योर वियर। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर डिवाइड वॉल। डिवाइड वॉल क्या होती है, डिवाइड वॉल जैसे कि आप ये यहाँ से देख पा रहे हो ये आपका बैराज था, ठीक है, कंप्लीट दिस इज योर बैराज। नाउ द फोटो इज टेकन फ्रॉम द कैनाल हेड, सो दिस डिवाइड वॉल डिवाइड्स वाटर इंटू टू पार्ट्स, वन द अदर साइड पोर्शन दैट इज फ्लोइंग स्ट्रेट अक्रॉस द बैराज, जो आपका वाटर है वो डायरेक्ट जो है बैराज को पास ऑन करने आगे डाउन स्ट्रीम साइड में फ्लो करेगा, लेकिन जो ये वाला वाटर है दिस वन वाटर विल गोज टू द कैनाल। तो अब हमने क्या कर रखा है, इस डिवाइड वॉल से इस वाटर को जो है सेपरेट कर लिया ताकि यहाँ पे जो है वाटर के अंदर जो आपकी टर्बुलेंस है वो मिनिमम रहे। वाटर के अंदर आपकी टर्बुलेंस जो है अगर मिनिमम होगी तो जो सिल्ट आपकी डिपॉजिट होनी है वो यहीं इसी एरिया के अंदर जो है आपकी सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगी और जो आपके कैनाल के अंदर है सिल्ट फ्री वाटर आप जो है डाइवर्ट कर पाओगे। फिर जो यहाँ पे सिल्ट होगी उसको हम अंडर स्लोइसिस से जो है क्लीन अप अपना कर देंगे टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर, यहाँ पे जो इसका दे रखा है इसको आप पढ़ सकते हो, दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिवाइड वॉल, यू कैन इजीली गो थ्रू दिस, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बता दिया सेम वही है। नेक्स्ट इज योर फिश लैडर। फिश लैडर क्या होते हैं, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, फिश लैडर कोई भी रिवर होते हैं उसमें जो आपकी फिशेज होती हैं वो टाइम टू टाइम माइग्रेट करती रहती है, जैसे कि अगर आपका विंटर्स का टाइम है तो वो मूव करती हैं आपकी वार्म वाटर की तरफ यानी कि सी की तरफ, और जब आपका समर का सीजन आता है तो वो अपने बैक जहाँ पे उनका ओरिजिन था वो वहीं पे माइग्रेट करती हैं, तो ये सीजनल माइग्रेशन होता है। अब क्या हुआ, अगर रिवर में कोई बैरिगेट नहीं था तो वो जो फिशेज थी आपकी इजीली माइग्रेट हो पा रही थी, लेकिन जब हमने बैराज बना दिया, जब हमने वियर बना दिया तो वहाँ पे जो है फिशेज का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, और इससे क्या दिक्कत हो रही थी कि फिशेज का जो नेचुरल लाइफ साइकिल था वो डिस्टर्ब हो रहा था, फिशेज सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए हमने क्या प्रोवाइड किया, फिश लैडर प्रोवाइड किया। अब देखो ये जो आपको दो व्यूज दिख पा रहे होंगे यहाँ से, ये है आपका टॉप व्यू एंड दिस इज योर साइड व्यू। यहाँ पे क्या है, आपने ये जिग जैग ओपनिंग्स प्रोवाइड कर रखे हैं। जिग जैग ओपनिंग्स प्रोवाइड करने का क्या बेनिफिट है कि जो आपको वेलोसिटी है वाटर की वो 3 मीटर पर सेकंड से कम रखनी है, अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो उसमें फिशेज जो है स्विम नहीं कर पाएंगी, फिशेज उसमें ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो पहला कंसिडरेशन जिग जैग देने का ये है। ये आपका साइड का सेक्शन दिख रहा है साइड व्यू, इसमें आप देख पा रहे होगे कि अगर ये आपका डाउन स्ट्रीम का लेवल है ये आपका टॉप स्ट्रीम का लेवल है, तो हमने इसको ऐसे जो है स्लोप में डिवाइड ज्वाइन कर रखा है, जो आपने ये दे रखे थे आपकी डिवाइड वॉल्स वगैरह थी वो सारी जिग जैग जाएंगी और ऐसे स्लोपिंग में रहेगी। क्लियर, यहाँ पे मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जो ये हैं आपके, ये हर स्टेप के अंदर जो है आपके छोटे छोटे पॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। देखो ये आपके पॉन्ड्स हैं, ये फिशेज जो हैं जंप करती हैं एक पॉन्ड से अपर पॉन्ड पे, अपर पॉन्ड से फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे ये जंप करती रहेंगी जब तक कि ये अपनी डैम के बिल्कुल ऊपर वाली साइड ना पहुंच जाए। अभी आपको एक लैडर की तरह एक सीढ़ी की तरह दिख रहा है तो इसका नाम इसको रख दिया हमने फिश लैडर, क्यों, क्योंकि सीढ़ी का यूज़ भी कौन कर रहा है, फिशेज कर रही हैं आपकी। क्लियर, ये आप एक एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, ये एक छोटा सा वियर बना रखा था, इसके लिए जो है आपने एक ये फिश लैडर प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, क्लियर, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो आपका ये फिश लैडर है इन पॉइंट्स को पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया वही है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। नेक्स्ट इज योर कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है, देखो इस डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। अभी आप हमने जो आपका बैराज और वियर पढ़ा है दैट इज फॉर योर दिस पोर्शन, अब हमें जो है कैनाल के अंदर भी जो वाटर जाएगा उसको रेगुलेट करना है, तो उसको वाटर को रेगुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है कुछ कंट्रोलिंग गेट्स लगाने हैं एंड दैट इज योर नोन एज कैनाल हेडवर्क या कैनाल रेगुलेटर हेडवर्क। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि कितना वाटर आपको रिवर से कैनाल के अंदर डाइवर्ट करना है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा वाटर करना है डाइवर्ट करना है तो आप गेट्स को ओपन कर सकते हो, अगर आपको सप्लाई बिल्कुल रोकनी है कैनाल के अंदर तो आप गेट्स को जो है 100% क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो यही सब है, आप यहाँ से जब इसको पढ़ोगे तो ये कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है इसमें हम प्लेटफॉर्म भी दे देते हैं यहाँ से, जैसे ये आपको दिख रहे हैं गेट्स हैं,
दीज आर योर गेट्स, ठीक है, दीज आर योर गेट्स, कंप्लीट पोर्शन, दिस इज योर डेक फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए भी दे सकते हैं, या फिर हम इंस्पेक्शन के लिए हम कम विड्थ का दे सकते हैं, प्लस जो आपका गेट का ऑपरेशन होना है, यानी कि गेट को ऑपरेट करना, आप मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं, चाहे उसमें वायर पुली सिस्टम लगा रखा हो या फिर उसमें स्क्रू मैकेनिज्म लगा रखा हो, जो भी सिस्टम है उसको आप ऑपरेट करने के लिए भी आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ताकि वर्कर वहाँ पे जाके जो है उसको गेट्स को ऑपरेट कर पाए, इसीलिए जो है यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है आपका। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो, दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म फॉर वर्किंग, दिस इज़, दीज आर ह्यूमन बींग्स स्टैंडिंग, दीज आर यूर वर्किंग प्लेटफॉर्म, दिस इज द स्क्रू मैकेनिज्म, दिस इज ए स्क्रू विच इज रोटेटेड, दीज आर हैंडल्स प्रोवाइडेड, जब इन हैंडल्स को हम रोटेट करते हैं तो ये जो गेट है इसकी मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है। ये जो आपके दो पियर्स हैं इनके बीच वाले पोर्शन को, दो पियर्स के बीच वाले पोर्शन को हम एक बे बोलते हैं, बे, ठीक है, और इस बे, एक बे के लिए एक सिंगल गेट जो है आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट इज योर फंक्शंस ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्या है, आप चले जाने देख लेना एक बार इसको। नेक्स्ट इज योर सिल्ट रेगुलेशन वर्क। अब सिल्ट रेगुलेशन वर्क का क्या मतलब होता है कि सिल्ट को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। सिल्ट को रेगुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर्स। एक्सक्लूडर्स का मतलब क्या है कि आप कैनाल में वाटर को डाइवर्ट करने से पहले ही उसमें से सिल्ट को एक्सक्लूड कर दो, उसको रिमूव कर दो। दूसरा क्या होता है, सिल्ट इजेक्टर्स, की जो कैनाल में आपकी सिल्ट जा चुकी है फिर आपको उसको बाद में जो है इजेक्ट आउट कर दो। तो ये दोनों चीज़ें हम जो है अभी देखेंगे। सिल्ट एक्सक्लूडर्स क्या होते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर दोज विच आर जो आपके उस पे बेड पे बनाए जाते हैं, रिवर बेड पे, और ये जो है आपके सिल्ट एक्सक्लूडर या जो अंडर स्लूसेज हमने प्रोवाइड की थी उसकी हेल्प से जो है हम सिल्ट को रिमूव कर देते हैं और जो आपका क्लियरर वाटर है वो आपका कैनाल के अंदर चला जाता है, ठीक है। और इस जो सिल्ट एक्सक्लूडर है, जैसा मैंने डेफिनेशन में बताई थी, रिमूव सिल्ट इज देयर फॉर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बिफोर इट एंटर्स द कैनाल, यानी कि जब कैनाल में वाटर एंटर करता है उससे पहले ही आपने सिल्ट उसमें से रिमूव कर दी होती है। सिल्ट इजेक्टर्स क्या होते हैं, सिल्ट इजेक्टर्स एक स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होते हैं जो कैनाल जहाँ से स्टार्ट होती है उसके कुछ डिस्टेंस के बाद बनाए जाते हैं। कुछ डिस्टेंस के बाद बनाने का क्या बेनिफिट है, जो सिल्टेड वाटर आपका आया है वो कैनाल में कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा और उसकी जो सिल्ट है वो धीरे धीरे कैनाल बेड पर डिपॉजिट होती रहेगी, ठीक है, और उसके बाद जो है हम उस चीज़ को जो है रिमूव कर देंगे, इस जो डिपॉजिटेड स्टिल सिल्ट है, और जो है हमारी कैनाल है वो सिल्ट फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर रिवर ट्रेनिंग वर्क, गाइड बैंक्स, मार्जिनल बंड्स और ग्रायोन्स। ये मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो आप वो देख लेना। गाइड बैंक्स का वो कंस्ट्रक्शन, वो वॉल्स होती हैं जो आपके वाटर को जो है गाइड करते हैं टू फ्लो थ्रू द वियर और बैराज। मार्जिनल बंड्स क्या होते हैं, मार्जिनल बंड्स जो आप गाइड बैंक्स से पहले नेचुरल रिवर फ्लो को गाइड बैंक्स तक जो ज्वाइन करते हैं, दिस दैट पार्ट विल बी योर गाइड बैंक्स। ये आपका सोइल से या रॉक फिलिंग से बनाते हैं, जिसमें कि आप जो है ऊपर की टॉप विड्थ जो है आप 2 to 3 meters रखेंगे, एंड जो साइड की स्लोपिंग होगी वो आप देखेंगे। या कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप का आपको कुछ क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा, दिस टाइप का जो आपकी ये टॉप विड्थ होगी ये होगी आपकी 2 to 3 meters, ठीक है, और ये आपकी जो है साइड स्लोपिंग ऐसे रहेगी, और ये जो है आपका हेल्प करता है कि जो वाटर है आपका ओवरफ्लो ना हो जाए, यानी कि पास वाला जो एरिया है उसको फ्लडिंग से आपका जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज गाइड बैंक्स, यहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, मैंने सारा आपको बता रखा है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में या मेरे को पर्सनल मैसेज करके आप जो है पूछ सकते हो। थैंक यू।